तकनीक, इसका प्रोविजन डॉक्टर लिन ने करके रखा है. सो दिस इज अ बेवरेज मार्केट. इफ यू ओपन अप एंड सी, अगर कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई आउटलेट लगाना है, या तो वो क्वालिटी वाला चाहिए, तो हमको ढूंढना पड़ता है. ज़ीमोक का मतलब क्या? कॉफी एंड चॉकलेट एकत्र, या कॉफी का केक भी मिलता है और चॉकलेट का केक भी मिलता है. कभी जाके शिवाजी पार्क में वो एक कप मौका मांग लीजिए. स्टारबक्स में मिलता है, सीसीडी में मिलता है, एंड दिस वन आउटलेट कॉल टी विला, वहां पे भी मिलता है. एक कप का प्राइस 450, 450 रुपीज. या यू गेट दिस बेक कॉफी विथ चॉकलेट. मैंने ट्राई किया है दैट 450 का, एक के ऊपर फ्री एक था, तो मैंने बच्चे को लेके वो ट्राई किया. And then when I came back, थोड़ा दो घंटे का गैप देके, I did my mocha. मैंने जी mocha, ब्लैक कॉफी और कोको जी मिक्स करके मेरा mocha तैयार किया. Trust me, it tasted excellent. You can try it out. मैं मतलब ओपन प्लेटफॉर्म है, आप जाओ 450 डालो और फिर घर पे आके अपना जी mocha पी लो, एक ग्लास अच्छे से रॉयल बना के. The energy level you get, it's fantastic. After their mocha, I felt more, you know, drained out, सोने जैसे फील हुआ. लेकिन अपना mocha, मतलब DXL अपना जो बनाया हुआ mocha है, कोकोजी जी mocha और ब्लैक कॉफी से बनाया हुआ जो ग्लास mocha है, you get energy. अगले 3-4 घंटे आप अच्छे से काम कर सकते. You don't need lull down. आपको वो थकावट नहीं महसूस होती. नेक्स्ट, लेमन जी कितने लोग पीते हैं? मॉर्निंग स्टार्ट ऑफ द, सुबह की स्टार्ट लेमन जी से, और समर में लेमन जी, लेमन जी, लेमन जी कैसे पीते हो आप? ठंडे पानी पीते हो, गर्म पानी पीते हो, क्या करते हो? नॉर्मल पानी. गर्म पानी में कोई पीता है? नहीं पी रहा. यू कैन हैव इट, एक्चुअली यू कैन हैव इट. कौन लोग है जो सलाड पे लेमन जी डाल के खाते हैं? Anyone? Limbu milta na, what you garnish on the salad, okay? You garnish on your pani puri. You garnish on your sandwiches. I've started using that. Trust me, lemon zee gives a different taste. Lemon zee aur pink salt ko, aap jaise chaho usko, kya banta? Fakto udhulun tumcha annavar ghala. Enjoy that. That टेस्ट इज टोटल डिफरेंट टेस्ट. आपके सलाड के ऊपर लेमन जी डालो, आपके पानी पूरी में डाल के देखो, वो भी टेस्ट करता है. मैंने मिसल में भी लेमन जी डाल के खाया. एंड ट्रस्ट मी, यू कैन ट्राई इट आउट. मैं चैलेंज करती हूं, उसके बाद आप लींबू डालना तो भूल जाओगे, एक लेमन जी का पैकेट आपके साथ रखोगे. सिर्फ उसको यूज करना आना चाहिए. चने की दाल है, उससे क्या क्या बना सकते हो? माझी आजी सण्याची डाळ हातावर द्यायची आणि सण्याची चिमणी असं काय करताय? माय पेट नेम क्या कर सकते? चने की दाल से आप क्या कर सकते? भाजी होते. 29 पकवान आप बना सकते हो. खट्टा बना सकते हो, मीठा बना सकते हो, तीखा, सब कुछ बना सकते हो चने की दाल से. आपको क्या चाहिए, आप क्या बना सकते हो, क्या एंजॉय कर सकते हो, वो चने की दाल का वो बना दो. पुरणपोळी बनवा, लाडू बनवा, त्याची पापडी बनवा, त्याची भाजी बनवा, काही त्याची चैत्रामध्ये आपण हिरवी डाळ बनवतो. एनीथिंग, यू हॅव द रिसोर्स इन युअर हॅड. जस्ट मेक द वे यू वॉन्ट, द सॅटिस्फॅक्शन यू वॉन्ट टू टेक इट विथ. नेक्स्ट, लिंजी स्पाइसेस, अगेन समर इज ऑन, सो यू कैन कीप वन सैचेट विथ यू. स्पाइसेस आर, इंडिया इज नोन फॉर स्पाइसेस, मसाल्यासाठी इंडिया इज बीन नोन फॉर इट. सो वी आर एडेड गैनोडर्मा विथ द स्पाइसेस. यू कैन टेक अ लश ऑफ दैट. गर्मी में जो गर्मी की, जो धूप की तकलीफ है, उसको निकालने के लिए वी कैन जस्ट एड नॉर्मल वॉटर में, उसको एड करके हम वो लिंजी का पानी पी सकते. डीप टी, एवरी वन आस्क, अरे ग्रीन टी है क्या आपके पास? लिंजी देने के बाद भी उनको ग्रीन टी चाहिए था, एंड देन वी सेड यस, वी हैव योर चॉइस ऑल्सो. तो उनके लिए हमने वो प्लेटफॉर्म डाला है. कितने लोग सीरियल लेते हैं? ओके,
सिरिल का मैं एक ही चीज बोलूंगी, सुबह स्पिरुला सिरिल और शाम को कॉर्डिसेप्स सिरिल, 5 दिन 5 डेज। इफ यू वांट टू अपग्रेड एंड चेंज योर लाइफ, 5 दिन सुबह का स्पिरुला सिरिल लेना है और शाम को कॉर्डिसेप्स सिरिल। स्पेशली इफ यू हैव यंगस्टर्स इन होम जो जिम जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, या तो कोई स्पोर्ट्समैन है, तो उनको ये सिरिल देके देखो। 5 दिन आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपको देने की जरूरत नहीं, वो खुद आके ओपन करके खाके लेके जाएगा। आई हैव ऑल स्पोर्ट्समैन जिम जाने वाले हैं, या तो वर्किंग लेडीज है, बहुत एक्टिव लेडीज है, तो वो ब्रेकफास्ट के लिए प्रीफर करते। व्हाई? बिकॉज इट्स इंस्टेंट, खोलो मिलो घोलो और खा लो। इट्स वेरी इजी, नेचुरल कंटेंट, इवन इमीडिएट एनर्जी के लिए ये सीरियल आपके लिए काम करते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है एंड इट्स वेरी क्विक एट द ऑल एजेस। स्पेशली अगर हमारा सिल्वर एज गोल्ड एज है, मतलब उम्र बढ़ रही है, दैट टाइम ऑल्सो वी कैन एक्चुअली डाइजेस्ट दिस। नेक्स्ट, रोजेल कितने लोगों ने पिया है? रोजेल, या रोजेल क्या है पता है? हम तो सब कोल्ड ड्रिंक्स बाहर के जानते हैं, दिस इज ऑल्सो कोल्ड ड्रिंक। मैं एक चीज बोलू, ये आपके पूरे शरीर को अंदर से एसी, हम चाहते हैं ना कि अंदर से कूलिंग चाहिए, रोजेल इज दैट। इट गिव्स योर कूलिंग, योर इम्यून सिस्टम बूस्टर, लेकिन लेडीज के लिए ये हार्मोन बैलेंस के लिए भी काम आता है। स्पेशली वेन द बॉय इज टर्निंग फ्रॉम बॉय टू द मैन एंड द गर्ल फ्रॉम द गर्ल टू द वुमन, मेनार्की टू मेनोपॉज, ये जो बहुत महत्वपूर्ण टाइम है, रोजेल हेल्प्स इन दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्त्रीत्व येताना, स्त्रीत्व जाताना, पुरुषत्व येताना आणि पुरुषत्व बरकरार रखने के लिए हार्मोन्स के लिए रोजेल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। एटलीस्ट महीने में एक बार, जैसे हम पार्लर जाते हैं महीने में एक बार, बच्चे भी पिकनिक आउटिंग करते, 1 बॉटल ऑफ नोनी एंड रोजेल यू शुड गिव इट टू योर बॉडी, एक प्रोबायोटिक, एक एक्टिव एजेंट के हिसाब से अपने बॉडी को देके देखो। क्योंकि मैं कितना भी बोलूं, इट्स नो फन अंटिल अनलेस यू कंज्यूम दैट। वो अपने बच्चों को देके देखो और अपने साथ लेके देखो। आयुर्वेदा सीरीज अगेन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म डीएक्सएन हैज गिवन। यहां पे जो 6 भी है, ऑल सिक्स, कितने लोगों ने ये 6 के 6 ट्राई किए? ऑल 6। या अश्वगंधा, अभी मैं बोलू, बहुत सारे लोकल्स में कितने लोग ट्रैवल करते हैं? मुंबई लोकल्स ट्रैवल किया है? मुंबई लोकल, या इफ यू सी द एड हैज स्टार्टेड कमिंग अश्वगंधा ऑन द ट्रेन्स। मैं एक स्लाइड आपको शो करती हूं, जस्ट लास्ट मंथ से अश्वगंधा का एड मुंबई ट्रेन्स पे आ रहा है, मतलब बाहर के साइड पे जो एडवर्टाइजिंग का उनका पोस्टर रहता है, वहां पे अश्वगंधा आना शुरू हो गया। और ये अश्वगंधा हमको कब मिला? जून, डॉक्टर लिम ने कब दिया? अभी ये ट्रेन पे आने लगा है, लेकिन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कंज्यूमिंग लॉन्ग बैक अ क्वालिटी अश्वगंधा। मेरे पास लेडी एसीपी भी है जो अश्वगंधा यूज करती है मुंबई की, क्योंकि अ चैलेंज लाइफ विथ हर। अगर वो क्रिमिनल लेवल पे, उनको वो टफ लाइफ है एंड शी इज हेडिंग टू हर 50s, वुमनिज्म तो उसको छूटने वाला नहीं है, बट शी इज अ एसीपी, तो वो भी उसका करियर भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसका बच्चा अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, सो अगेन दैट इज अ टफ टाइम, सो शी इज कंज्यूमिंग अश्वगंधा। हम ले सकते हैं? एनीवन कैन टेक इट? मैरिटल लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा है, फिर भी एनर्जी के लिए आप बच्चे से कोई भी उम्र तक वो दे सकते हैं। गिलॉय अगेन, कोई भी इन्फेक्शन है, जो फीवर है, या तो यू नो वेदर चेंज में प्रॉब्लम है, तो गिलॉय इज द बेस्ट है। त्रिफला डाइजेशन के लिए, नीम पूरे शरीर को प्यूरिफिकेशन के लिए अच्छा है, और नीम इज वेरी गुड इन अ डायबिटिक कंडीशन न हो इसके लिए। पहले तो मेरी सास वो पत्ते लाके पाटावर वंटावर जूस निकाल के पिलाती थी। वी हैव गॉट रेडी टैबलेट फॉर्म, नीम के टैबलेट फॉर्म में, इजी टू कंज्यूम है, बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि कड़वाहट तो नहीं होती, हम चाहते हैं बच्चे अच्छे रहे, तो नीम वी कैन गिव इट टू देम। ब्रह्मी,
नर्व सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, बच्चों के पढ़ाई के लिए अच्छा है, इवन एट द हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी नीम और ब्राह्मी का कॉम्बिनेशन यू कैन गिव इट. ब्लैक क्यूमिन कितने लोग लेते हैं? ब्लैक क्यूमिन मरे हुए को छोड़ के बाकी किसी चीज के लिए भी आपके शरीर को जो भी चाहिए, गैनोडर्मा इज द बेस्ट, मोरिंडा सिट्रिफोलिया इज वेरी गुड, बट ब्लैक क्यूमिन हेल्प्स यू टू अपग्रेड योर इंटरनल एनर्जी. 2-3 महीना लगातार वो ब्लैक क्यूमिन लेके देखिए, जो फर्क आपके शरीर में आएगा, स्पेशली व्हेन यू हैव अ बॉडी टॉक्सिन्स इन्फेक्शन है वो निकालने के लिए ब्लैक क्यूमिन हेल्प्स यू आउट. तो पूरा जो आयुर्वेदिक सीरीज है पूरे अपने फैमिली के लिए बेस्ट है. डॉक्टर की जरूरत न पड़े इसके लिए हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं. अजीचा बटवा म्हणून किंवा मी असं म्हणेन गुलाबी बटवा, अजीचा बटवा किंवा गुलाबी बटवा म्हणून आयुर्वेदिक सीरीज के लिए हम देख सकते हैं. खुद का शरीर अपने हाथ में रहना चाहिए. ये तो हर जो आदमी आज शहर में रह रहा है, इवन इट इज स्टार्टेड इन द विलेजेस ऑल्सो, क्योंकि लाइफ स्टाइल वहां पे भी पहुंच गई है, जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, जो बटन वाली लाइफ स्टाइल वहां पे पहुंच गई है. सो वी आर फेसिंग दिस ऑल प्रॉब्लम, उसके लिए एक एनर्जी बूस्टर के हिसाब से वी कैन स्टार्ट कंज्यूमिंग स्टिग्मा. यूनाइटेड नेशन भी इसको प्रमोट करता है एनर्जी लेवल के लिए. और स्टिग्मा कौन खा सकता है? इट इज अ वेरी नेचुरल फूड, सुपर फूड है. जन्मे हुए बच्चे से कोई भी उम्र तक कोई भी कंडीशन में आप स्पिरुला दे सकते हो. जितने स्पिरुला खिलाओगे उतना अच्छा रहेगा. एक लेबोरेटरी या तो एक लैब या तो एक फैक्ट्री बताओ जहां पे खून जनरेट होता है. आपको पता है जिथे रक्त निर्माण के लिए ऐसा कारखाना आहे का, प्रयोगशाला आहे का, आपको लगता है वहां पे जनरेट हो सकता है? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस. इधर यू जनरेट योर्स और यू हैव टू बोरो. मेरे यहां एक लेडी है जो शिवाजी पार्क में रहती है, बहुत अमीर, लेकिन एचबी लेवल उनका 6.5-7 के ऊपर बढ़ता नहीं था. आई स्टार्टेड गिविंग अर स्पिरुला, रिकमेंड की पहले तो नहीं ली, टैबलेट यानी आपके पास से क्यों, लेकिन किसी वजह से उसने वो लेना शुरू कर दिया. एक दिन एक फोन आता है, बोलती है हमेशा मैं लोगों से खून लेती थी, आज मैंने ब्लड डोनेट किया. एक सपना, एक अमीर लेडी का सपना. हस्बैंड इज अ रिच पर्सन, वो भी रिच है, लेकिन हमेशा मेरे हाथ कैसे थे, खून बॉटल मांगती थी खून चढ़ाने के लिए, आज मैंने डोनेट किया. किसी का सपना ये भी हो सकता है.